नमस्कार, यूवीएन जीरो एट में आपका स्वागत है। मैं सूरम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट, के लिए बने रहिए यूवीएन जीरो एट के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश चेलक की रिपोर्ट। सूर्यगांव स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन टीकाकरण कराने जा रहे, यहां पर 45-60 साल के बुजुर्ग महिला पुरुष को टीका लगा रहे हैं, जो शासन के निर्देश अनुसार मास्क व 2 गज की दूरी, साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है, साथ ही व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से किया जा रहा है। डॉक्टर मनोज कुमार साहू, संस्था प्रभारी सूर्यगांव ने बताया कि कोविड-19 के चलते जो टीकाकरण दूसरे बार का लग रहा है, जिसमें 45 वर्षों से 60 वर्षों के बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों को लगाया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन टीकाकरण या का दूसरा चरण 4 तारीख से प्रारंभ है। इस वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही मैं जनता से अपील करूंगा कि सैनिटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथ को बार बार साबुन से धोते रहें, या मैं सभी जनता से अपील करता हूँ। मनोज कुमार साहू, संस्था प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगांव। हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम 4 मार्च से प्रारंभ है और 4 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है और 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर जितने भी हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर का सही तरह से उपयोग कर, एक डिस्टेंस बनाकर, 2 गज की दूरी मेंटेनेंस करके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाए। सर, यह मरीजों के लिए वैक्सीन की छूटा दी गई है शासन, उसमें कोई दिक्कत हो गई? वैक्सीन जो हमारे विभागीय स्तरीय जितने भी वैक्सीन आते हैं उनका सही तरीके से उन लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है और वैक्सीन की कमी शायद राज्य में भी होगी, तो जितने वैक्सीन हमारे हाथ द्वारा दिए